हाँ दोस्तों, मैं रीना आपके अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो किन लोगों को बुधवार का व्रत करना चाहिए? तो काफ़ी लोगों को पता नहीं रहता है कि बुधवार का व्रत किन लोगों को करना चाहिए। तो जिन लोगों का कमज़ोर मस्तिष्क वालों को ही बुधवार के दिन उपवास रखना चाहिए। उपवास और व्रत दोनों में बहुत अंतर होता है। मैंने एक वीडियो भी बना रखा, आप उसमें देख सकते हैं। व्रत के अंदर अन्न खा सकते हैं, लेकिन उपवास में अन्न बिल्कुल भी नहीं खा सकते। इसलिए आपको बुधवार का व्रत नहीं रखना है, उपवास रखना है। और उपवास के दौरान जो उपवास में खाई जाने वाली चीज़ें हैं उन्हीं को आप खा सकते हैं। और कमज़ोर मस्तिष्क वाले लोगों को ही बुधवार का उपवास इसलिए रखना चाहिए क्योंकि बुधवार का दिन बुद्धि प्राप्ति का दिन होता है। और बुधवार के व्रत से बुध ग्रह की शांति तथा धन विद्या व्यापार में वृद्धि होती है। और बहन मौसी और बुआ की स्थिति, जिन ग्रहों में बहन मौसी और बुआ की स्थिति ठीक नहीं रहती है तो भी बुधवार का व्रत रख लेना चाहिए। अब हमें बुधवार को किसका व्रत रखना चाहिए यह भी तो पता होना चाहिए। तो इसी प्रकार बुधवार का दिन भगवान गणेश जी की आराधना के लिए समर्पित है। हिंदू धर्म में गणेश जी को विघ्नहर्ता के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि वह अपने भक्तों के सभी कष्ट दूर करते हैं। माना जाता है कि बुधवार का व्रत करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। श्री गणेश चतुर्थी व्रत सुख समृद्धि यश कीर्ति वैभव चारों तरफ से सफलता देने वाला माना गया है। जीवन में श्री गणेश जी का आशीष पाना है तो चतुर्थी के दिन पूजन के समय उन्हें सिंदूर का तिलक करने के पश्चात स्वयं भी सिंदूर का तिलक करें, निश्चय ही आपको उनकी कृपा जरूर मिलेगी। और हमें काफ़ी चीज़ें जिनमें बुधवार का व्रत जो लोग करते हैं उनको ध्यान रखना चाहिए। एक तो बुधवार के व्रत में आप नमक का सेवन बिल्कुल भी ना करें। और कुछ लोग भगवान गणेश और बुद्ध देव दोनों के लिए साथ में व्रत करते हैं, कुछ लोग अलग अलग व्रत का पालन करते हैं, लेकिन कुछ लोग गणेश जी का व्रत सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। उस दिन भगवान गणेश जी की कृपा आप पर बनी रहती है। कुछ नियम होते हैं बुधवार के व्रत के, नियम हैं, उन नियमों को फॉलो करना चाहिए। तो ये थी खास जानकारी आपके लिए कि किन किन लोगों को बुधवार का व्रत करना चाहिए। जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें।